प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बी आर सी अकेडमी में स्वागत है। बच्चों, मैं सुनील और आज हम लोग क्लास 7 का परिमेय संख्याओं का योग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाए, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे एक और एक बट्टा दो, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको एक बट्टा एक लिख सकता हूँ ना। क्लियर? और अंडर रूट 25, दशमलव 75, ठीक है, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर? तो हम जोड़ेंगे, सबसे पहले सीखेंगे परिमेय संख्याओं का योग ना, यानी भिन्नों का जोड़ सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि ऐसे भिन्न जिनके हर बराबर हो उन भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं ना। हर बराबर होने पर, हर बराबर होने पर, क्लियर। तो चलिए, जैसे मान लीजिए दिया है एक बट्टा दो प्लस एक बट्टा दो, हर बराबर है। बच्चों, जब हर बराबर होता है तो हर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं ना। ठीक है, हर को ज्यों का त्यों रख लेते हैं और अंश, जो अंश है इसको जोड़ लेते हैं। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? हर। क्लियर? ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसको जोड़ेंगे तो एक और एक कितना? दो, और नीचे भी दो है। अब देखिए, कोई ऐसी संख्या लेंगे, कोई ऐसा नंबर लेंगे जिससे दोनों कट जाए। ठीक है, तो दो एक ऐसा संख्या जिसे ये कट जाएगा, दो कर दो और दो कर दो, दो के पहाड़ा में दोनों आता है ना, ये भी और ये भी, तो कट जाएगा, तो आएगा एक बटा एक, यानी एक हमारा आंसर। क्लियर? ठीक है, तो चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो बटा तीन है और प्लस दो या तीन, तीन मतलब एक ले लीजिए, चाहे कुछ और लीजिए, मान लीजिए चार है, चार बटा तीन है ना। अब इसको जोड़ना है तो देखेंगे हर बराबर है कि नहीं। हर बराबर है ना, इसका हर बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हर में, और क्या करेंगे? अंश को जोड़ लेंगे, हर को जीव का त्यों लिख देंगे। और ये दो बार नहीं लिखते हैं, केवल एक बार ना। और दो प्लस चार, ये अंश है, दोनों जोड़ लेंगे, चार और दो छः, छः बटा तीन। इनको कोई ऐसा नंबर लीजिए जिससे दोनों कट जाए हाँ, ये नहीं कि इससे दो से कट दीजिएगा, दो से कट रहा है ना, तो ये नहीं कि इसको दो से कट दीजिएगा, ये कट भी ना करें तो गलत हो जाएगा। हम कोई भी नंबर लेंगे जिससे ये भी कटे और ये भी कटे ना, तो तीन एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों कट जाएगा। तीन एक ने तीन और तीन दोनों छः, यानी दो बट्टा एक बराबर दो, ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सीखेंगे कि ऐसे भिन्न का जोड़ जिनका हर बराबर नहीं है ना। इसलिए एक टाइप और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए रहता है एक सही एक बट्टा दो प्लस दो सही एक बट्टा दो, ऐसा भी दिया रहता है ना। ये कौन सा भिन्न है? ये भिन्न है मिश्र भिन्न। ठीक, ये कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न है। ठीक है, और ये कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न है। क्लियर? चलिए आइए जाना यहाँ पे, इसको पहले क्या करेंगे, विषम भिन्न में चेंज करेंगे ना। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं? दो करें दो और दो एक तीन, तीन बट्टे दो प्लस दो दूने चार एक पाँच, पाँच बट्टा दो, दोनों विषम भिन्न हो गया। हर बराबर है तो क्या करेंगे? अंश को जोड़ लेंगे, यानी दो बट्टे तीन प्लस पाँच, यानी पाँच तीन आठ बट्टे दो। आप कोई ऐसा नंबर लेंगे जिससे दोनों कटे, तो दो से ये भी कट जाएगा, दो चौका आठ ये भी कट गया, यानी चार बटे एक बराबर चार, और ये हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, उस आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे भिन्न के प्रकार ना। जैसे भिन्न कितने तरह के होते हैं ना, आज मैं बताता हूँ आपको, एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न, दूसरा विषम भिन्न क्या होता है? तीसरा मिश्र भिन्न क्या होता है?
बच्चों ये आप लोग क्लास फाइव में पढ़े होंगे, क्लास पांच की चीज है, तो एक बार देख लेते हैं। उचित भिन्न क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा है ना, जैसे 3/4 हो गया, 5/6 हो गया ना, 5/25 हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे, ठीक है। ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है, हर बड़ा है ना सबका, अंश छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। अब विषम भिन्न क्या होता है? इसका उल्टा। विषम भिन्न में क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसका अंश अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसको बोलेंगे विषम भिन्न। जैसे 37/31, ठीक है, 49/41, तो इन सब भिन्न को क्या बोलेंगे? विषम भिन्न बोलेंगे ना। और मिश्र भिन्न क्या होता है? विषम भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं ना। जैसे मान लीजिए 4 है, इसमें 3 से भाग करेंगे, बट्टा का मतलब क्या था भाग, 3 से भाग करेंगे, 3 × 3, यहाँ पर शेष बचा है, तो जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो यहाँ पे भाग फल आता है उसको पूर्णांक, यानी 1 पूर्णांक, शेष क्या बचा है 1, तो ऊपर लिखेंगे 1, और बट्टे जिससे भाग देंगे नीचे, 1 पूर्णांक 1/3, इसको ऐसे ही बोलते हैं 1/3 ना। इसको जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं 37 है, 37 में भाग दूं 31 से, तो 31 × 31 बचा कितना? 6 शेष, तो क्या लिखेंगे इसको? 1/6 ऊपर भेजेंगे, 1/31, क्लियर। तो ये हमारा है मिश्र भिन्न, इसको क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में चेंज कर सकते हैं, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जिसका हर बराबर हो, ठीक है। अगला बच्चों देखेंगे हम हर बराबर 9 होने पर, जैसे मान लीजिए दिया 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, जरा देखिए इसमें हर बराबर है दोनों का, नहीं है ना, तो क्या करेंगे? इन दोनों का लॉसौ निकालेंगे। लॉसौ कैसे निकालते हैं? 2 × 3 ऐसे, और कोई ऐसा नंबर लीजिए जिससे दोनों कटे, आ नहीं तो एक ही कटेगा छोटा से छोटा नंबर, तो 2 से कटेगा, ये 2 × 2 ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर 3 से कट जाएगा, क्लियर। और ऐसा कब तक करते हैं? जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए ना। तो लॉसौ कितना आ गया? 2 × 3 = 6, लॉसौ बराबर 2 × 3 = 6, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे लिखेंगे 6 जो लॉसौ आया है, ठीक है। फिर क्या क्या करेंगे? ऊपर वाला 1 लिखेंगे, अगूढ़े 2 से इसमें भाग करेंगे, कितना आएगा? 3, यहाँ पर लिखेंगे 1/3, फिर ये प्लस 1/3 का भाग करेंगे, इसमें कितना आएगा? 2, 3 × 3 अब प्लस 1/2 6 3×5 5/6 ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। इस तरह से करते हैं, आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, त्रिया पूरा कर दीजिए, 3 × 3 और 2 × 2 ये प्लस का प्लस कर दिया, अब बट्टे इनका लॉसौ निकालेंगे 6 आएगा, 5/6। लेकिन ऐसा कब होता है? जब केवल 2 भिन्न हो तब ना, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे 3 भिन्न आ गया, 4 भिन्न आ गया, तब दिक्कत हो जाता है। हमारे यहाँ पे आ गया 1/4 आ गया, 1/8 आ गया, तब क्या करेंगे? तब त्रिया पूरा करेंगे, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए ऐसे सीखिए, और इसी एक ही कंसेप्ट से हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, क्लियर है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3/4 प्लस 5/8, अब क्या करेंगे? इन दोनों का लॉसौ निकालेंगे, तो लॉसौ निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले 2 से काटेंगे, कितना आएगा? 2 × 4 2 × 6 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 2 2 × 4, फिर 2 से काटेगा 1, क्लियर। तो लॉसौ कितना आ जाएगा? लॉसौ बराबर 2 × 2 × 2 यानी 8, लॉसौ 8 आ गया ना। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे? हम लिखेंगे 8 बराबर, ये पहला वाला जो भिन्न है इसका अंश तुरंत लिख लीजिए और गुणा का चिन्ह दे दीजिए, फिर 4 से इसमें भाग करिए, कितना आएगा? 2 लिख लीजिए यहाँ पे 2, फिर ये प्लस 5 का गुणा 8 के इसमें भाग करिए, 8 में कितना आएगा? 1, यहाँ पे 1 लिख लीजिए,
तीन दुनिया छ प्लस आठ, पाँच गाने पाँच बट्टे आठ, कितना आ जाएगा छ पाँच ग्यारह बट्टे आठ। अब ये कौन सा भिन्न है? विषम भिन्न है ना, जिसको चेंज करेंगे मिश्र भिन्न। चेंज करने के लिए इसमें भाग करेंगे, ग्यारह में भाग करेंगे आठ से, ठीक। तो आठ एक आठ, शेष बचा तीन। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक, जो शेष बचा उसको ऊपर बट्टे जिससे भाग दिए नीचे, ये हो गया आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया सवाल कि दो सही तीन बट्टा सात प्लस एक सही चार बट्टा पाँच ना, इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसको विषम भिन्न में चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे तो सात दूना चौदह, चौदह तीन सत्रह, सत्रह बटे सात, फिर प्लस पाँच करें पाँच, पाँच चार नौ, नौ बटे पाँच। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे ना। हर को बराबर करने के लिए दोनों का लॉस निकालेंगे, तो वो छोटी छोटी संख्या होती है जिससे कटे, तो पाँच है, पाँच से कटेगा ये वैसे रह जाएगा एक, फिर सात से कटेगा तो हमारा लॉस कितना आ जाएगा पैंतीस, और इसका गुणा करेंगे पैंतीस आएगा पैंतीस। अब आइए यहाँ पर लिख लेंगे पैंतीस, फिर पाला भिन्न का अंश सत्रह गुणे सात से भाग करेंगे इसमें पैंतीस में, कितना आएगा पाँच, फिर प्लस नौ, नौ गुणे पाँच से भाग करेंगे सात बराबर सत्रह पचे पचासी, फिर प्लस नौ सत्ते तिरसठ बट्टे पैंतीस। फिर इसको जोड़ते कैसे बच्चों? इसको इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, यानी तीन और पाँच कितना आठ, फिर छः और आठ चौदह, चौदह लिख लेंगे बट्टे पैंतीस। क्लियर है? अगर ये करता है तो करते हैं, नहीं तो मिस्टर मिस्टर भी में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यार एक सौ अड़तालीस भागा पैंतीस करेंगे तो कितनी बार जाएगा, नौ बार जाएगा, नौ बार नहीं जाएगा, चार बार देखिए जाता है, चार पाँच बीस, चार तीन बारह दो चौदह, चार बार चला जाएगा नहीं, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा और शेष कितना बचेगा आठ। क्लियर? तो जो भाग जितना भागफल जो आता है उसको क्या लिखते हैं यहाँ, जो बचता है शेष उसको ऊपर और बट्टे में नीचे पैंतीस। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरह से आप भिन्न को जोड़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।